और भाई कैसे हो? बस हे गाइस, मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ। किस लिए बना रहा हूँ वो अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, शिबा कॉइन के बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताने देना चाहता हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई थी जिसमें शिबा कुछ ऊपर था इससे। अब देखिए, जैसा मैंने वीडियो में कहा था कि अभी शिबा मत लीजिए, और अच्छा हुआ वो मैंने बोला, और आई होप किसी ने नहीं लिया होगा क्योंकि अभी ये नीचे जा रहा है। तो अभी हम कुछ दिन शिबा को नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी हम इसको देखते ही नहीं हैं। कुछ दिन बाद जब इसका लेने का टाइम आएगा तो मैं आप सबके लिए वीडियो बना दूंगा, तो आप उस टाइम पे वीडियो देख के आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था जो कि वहाँ पे वो दिखा नहीं, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और अभी हो सकता है कई लोगों को समझ नहीं आया होगा कि उसमें मैं क्या बोल रहा था, तो वो शिबा से रिलेटेड ही स्क्रीनशॉट है, तो मैं इस वीडियो में लगा देता हूँ ताकि आप सब लोग समझ पाएँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने। ये देखिए 39,600 जो कि क्वांटिटी एक मेरे फ्रेंड ने ली थी, कितने प्राइस पे, 0.025 पे, और कितने की ली थी सबसे नीचे देख रहा हूँ अभी, हम बाय पे देख रहे हैं कितने की ली थी, 990 रुपये की, 990 रुपीज़ की ली थी। उसके बाद उसने 39,600 क्वांटिटी में से 9,600 ऊपर बेच दिया, और कितने पे बेचा, 0.5 लाख पे बेचा, जिस पे उसको 5,000 रुपये मतलब 4,800 रुपीज़ मिले अराउंड। उसके बाद बाकी बची क्वांटिटी विच वॉज 30,000 वो उसने ऊपर बेची और उसमें मिले उसको 9,000 रुपये। तो देखिए, 1,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, 990 रुपये, और उसको मिले 9,000 और 5,000 यानी कि 14,000 के आसपास। तो ये देखिए, उसने अगर हम बाय का टाइम देखें तो 4:25 उसके बाय का टाइम था, और 5:17 पे उसने पहला सेल किया थोड़ा सा अमाउंट, और उसके बाद 5:33 पे उसने सेल किया बाकी का अमाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो लकीली ऐसा हो गया उनके साथ, बट आप में से कोई भी प्लीज़ ऐसा ट्राई ना करें क्योंकि लॉस बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो बेटर है हम बाकी कॉइन्स में ट्रेड करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं अभी हमारे पास जो कि प्रॉफिट अच्छा दे सकते हैं। इसी के बारे में अब हम बात करते हैं डॉज के बारे में। ये देखिए, डॉज के बारे में अभी डॉज ये देखिए यहाँ पे 42.8004 चल रहा है। ठीक है, तो इसको क्लिक नहीं हो रहा, ओके। ये देखिए, तो कल कुछ टाइम पहले मतलब 17-18 घंटे पहले एलॉन मस्क का ट्वीट आया, और देखिए करेंसी कहाँ पहुँच गई है। अभी देखिए 42.8 पे चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 43 हम बोल सकते हैं इसको, 42.8 बोल देते हैं चलिए। तो देखिए, 17 घंटे पहले एक ट्वीट आया है एलॉन मस्क का, जो कि मैंने कल भी आपको वीडियो बनाई थी कि वो एलॉन मस्क बिटकॉइन को मना कर रहे हैं ना, तो क्योंकि उसमें बहुत ही जो कोल से एमिशन होता है जो निकलता है कोल जलाने में, तो उससे वो इन्वायरमेंटल डैमेजेस को लेके कंसर्न है एलॉन मस्क। तो 17 घंटे पहले उन्होंने फिर लिखा है कि टू बी क्लियर आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो। मतलब वो यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर वो बिटकॉइन के अगेंस्ट है तो वो क्रिप्टो के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि टू बी क्लियर आई स्ट्रांगली बिलीव इन क्रिप्टो बट इट कांट ड्राइव अ मैसिव इंक्रीज इन फॉसिल फ्यूल यूज एस्पेशली कोल। सो यहाँ पे इस सेंटेंस का सेंस यही बन रहा है कि वो बिटकॉइन के थोड़ा अगेंस्ट हैं बट क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ होता है बिटकॉइन माइनिंग में, स्पेशली कोल का, उसके एमिशन से मतलब उसमें जो खतरनाक पदार्थ निकलते हैं उसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल डैमेज होता है उसको लेके वो कंसर्न है। तो वो कह रहे हैं कि हम क्रिप्टो के अगेंस्ट नहीं है, हम थोड़ा सा जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसके अगेंस्ट। आगे देखते हैं, उसके बाद 16 घंटे पहले उनका फिर एक ट्वीट आया, वर्किंग विद डॉज डेव्स, ये डेव्स क्या है, डेवलपर्स, डॉज डेवलपर्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी। तो देखिए, इस सेंटेंस ये सेंटेंस बहुत कुछ कहता है कि कितना एलॉन मस्क डॉज पे काम कर रहे हैं। जैसा कि हमको सबको पता है कि डॉज का कोई इवेंट नहीं होता, एलॉन मस्क के ट्वीट के हिसाब से डॉज का प्राइस ऊपर नीचे होता है। और देखिए, डॉज के डेवलपर्स के साथ अगर वो काम कर रहे हैं और वो उनको बोल रहे हैं कि मुझे इसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ानी है, तो ऑब्वियसली डॉज कॉइन का प्राइस इससे हम लगा सकते हैं पता कि आने वाले टाइम में काफ़ी ऊपर जाने वाला है। और उन्होंने पहले भी बहुत ट्वीट किए जो मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा डॉज में इन्वेस्ट करके रखें। जैसे कि उन्होंने बोला था कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में
मैं डॉज को मून पे लेके जाऊंगा, तो इसीलिए ये देखिए उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, पोटेंशियली प्रॉमिसिंग, मतलब बहुत ही प्रॉमिसिंग है और पोटेंशियल भी है, ये सब वो अपने ट्वीट में कहना चाह रहे हैं। बस इंसान को समझना चाहिए कि इससे होना क्या, इससे होगा क्या। तो यानी डॉज एक बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिप्टो करेंसी है। तो गाइज ये मैं यही कहना चाहूँगा कि और यहाँ पे वो सबको देखिए 15 घंटे पहले सबको एक तरह से क्या कहते हैं उसको सांत्वना भी दे रहे हैं कि डोंट पैनिक, कि मतलब कुछ होगा नहीं, एज ऑलवेज यहाँ पे उन्होंने लिखा है डोंट पैनिक, सब ठीक होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इससे ट्वीट से उसको ये पता लगा सकते हैं कि डॉज पे हम थोड़ा अपना पैसा लगा सकते हैं। हाउएवर इलॉन मस्क का खुद का ये कहना है कि किसी भी इंसान को अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स किसी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं लगानी चाहिए, वो जो कि बात सच भी है, अच्छी भी है, जो कि उनका अगर वो बोलते हैं तो ये उनका अच्छापन ही दिखाता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा दो, और हम भी कोई मैं भी आप लोगों से ही बोलूँगा कि प्लीज़ ऐसा मत करना, और हमें किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ पर हम इतना नहीं घुसना चाहिए कि कुछ ख़राब हो जाए तो फिर हम उसको कंट्रोल ना कर पाएँ, उसको सह ना पाएँ। तो यस, उस ट्वीट से हम ये पता लगा सकते हैं कि डॉज का फ्यूचर बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है डॉज में, इलॉन मस्क इस पर काम कर रहे हैं। तो जिस भी भाइयों को क्रिप्टो करेंसी में डॉज में इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जाने वाला है मून पे। तो आई होप हम सब लोग एक वाइज डिसीजन लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।